वो आप मेरी बैंक से ज्वेलरी ले आए हो? नहीं, वो काम मैंने सृष्टि को दिया था। वही तो, वो कुछ काम करती है, सारा दिन बैठी रहती है। उससे है ना, घर का सारा काम करवाया करो, नहीं तो खाली बैठने की उसको आदत ना पड़ जाए। अरे यार, उसे आने तो दो, करवाती हूँ उससे घर का सारा काम। लेकिन वो गई कहाँ है? मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ गई है, कुछ बता कर ही नहीं गई है। आने दो, मैं बताता हूँ उसको। एक बार देखो तो। कहाँ गई थी तू? मम्मी, मैं तो पढ़ाई करने गई थी। पढ़ाई करने गई थी? घर में तेरी पढ़ाई नहीं होती है, बाहर जाके तेरी पढ़ाइयाँ होती हैं, हैं? जाके ना चाय बना लो, नहीं तो मुझसे ही मार खाओगी। दुखी कर दिया इस लड़की ने तो मुझे। ये लो माँ चाय। गंदी चाय बनाई है, जाके दोबारा चाय बना के ला, नहीं तो फिर से मार खाएगी मुझसे। हेलो। हाँ बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि मैं तेरे पापा को ना हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, आज उनका ऑपरेशन है ना, तो हो सकता है डॉक्टर ने बोला है कि उनको ब्लड की जरूरत पड़े, तो तू एक काम कर, तू फटाफट हॉस्पिटल आ जा। क्या तू ये कैसी बात कर रहा है? वो तेरे पापा हैं, तू ऐसे कैसे बोल सकता है उनके बारे में? हेलो, क्या हुआ मम्मी पापा को? बेटा, तेरे पापा को ना हॉस्पिटल लेके जाना था, उनका ऑपरेशन है ना आज, और मैंने तेरे निकम्मे भाई को कॉल किया कि तू आज ही, आज तेरे पापा को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, और उसने तो फोन ही उठा के काट दिया। कोई बात नहीं मम्मी, मेरा भी सेम ब्लड ग्रुप है, मैं ब्लड दे दूंगी। सच में? हाँ। चल फिर जल्दी से चलते हैं। आराम से बैठो। पापा आप आ गए, मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसको कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन वक्त आने पे तुमने मेरी मदद की, उसने मुझे पूछा तक नहीं। बेटियों को ही ज्यादा फिक्र होती है माँ बाप की, बेटों को नहीं होती। आज तुमने ये साबित कर दिया। थैंक यू पापा, लेकिन मैं तो हमेशा पूरी लाइफ आप दोनों की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा है बेटा, लेकिन अब तुम जितना पढ़ना चाहती हो खूब पढ़ो, जो तुम बनना चाहती हो बनो, हम दोनों तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे।